एक जरूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए, मेरे सामने ये खात है, इनके हाथ के बारे में प्रकाश डाल लेते हैं। मेरे सामने सबसे पहले मैं इनकी कनिष्ठ उंगली पर जाऊंगा। यहाँ कनिष्ठ उंगली और कनिष्ठ उंगली का पर्व पहुँच गया है सूर्य के पहले पर्व तक। जब जब सूर्य के पहले पर्व तक व्यक्ति के ये उंगली पहुंच जाती है तो व्यक्ति के अंदर तीव्र बुद्धि, या ये समझ लीजिए कि अपनी बुद्धि के सामने किसी को ना बोलने देना, या समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति में ज़्यादा मेधावी शक्ति होती है, यानी कि उसके पास याददाश्त तो बहुत अच्छी होती है, और वो अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को समझाने में या उनको अपनी बात पहुँचाने में समर्थ रहता है। साथ ही साथ इस उंगली के अंदर एक छोटा सा स्पॉट, यदि यहाँ पर ये है जैसे मुझे चमक रहा है, ये काला तिल यहाँ पर, यदि ये वाला काला तिल है, तो ये बात निश्चित समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में संतान से, अपनी संतान से विरोधाभास का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ जीवन में अपनी वाणी पर नियंत्रण रख कर के बोले, वरना जनता से और परिवार से भी उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक अच्छा सिंबल इनकी उंगली पर नहीं मिला। तो यहाँ पर, यहाँ ये दूसरी उंगली की बात कर लें, सूर्य की उंगली है। सूर्य की उंगली का झुकाव यहाँ शनि पर्व की तरफ है, और शनि पर्व के बीच में एक हल्का सा गैप आ गया है। यहाँ एक छोटी सी, अगर देखें तो गैप दिखाई देता है हल्का सा यहाँ पर। जब इस तरीके का झुकाव होता है तो व्यक्ति का परिवार के साथ जुड़ाव है या नहीं है, वो खुद ही नहीं समझ पाता कि लोग मुझे प्रेम, परिवार के लोग करते भी हैं कि नहीं करते हैं, और उसकी इस सूझ के साथ साथ परिवार के लोगों की कुछ दूरी भी उसके साथ रहती ही है। सूर्य की उंगली अपने आप में बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई है, जिसने जाके शनि पर्व को छूने की कोशिश की है। जब इस तरह से इतनी ज़्यादा व्यक्ति हो जाती है तो व्यक्ति में एक अपनी तरह का अलग ही स्वाभिमान कह दीजिए, अभिमान कह दीजिए, वो भी अपने आप में होता है। तो ये अपने आप में यहाँ इस उंगली का सिंबल भी, ये अच्छा इंडिकेशंस नहीं माना जाता हस्त विज्ञान में। आइए शनि की उंगली की बात कर लेते हैं। इनकी ये शनि की उंगली जो पूरी तरीके से खड़ी हुई है यहाँ पर, और यहाँ यदि मैं देखूँ तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा टर्न भी है उंगली का, यानी कि शनि की ढैया हो या शनि की साढ़े साथी हो, इनके जीवन में कष्टदायी होगी। अब बात कर लेते हैं इस काले तिल की। जब जब ये काला तिल हाथ के अंदर पाया जाता है, दूसरे पर्व पर पाया जाए या पहले पर्व, उसके अलग अलग फल होते हैं, लेकिन इनके जिस दूसरे पर्व पर पाया जा रहा है, तो ये अपने आप में इस बात का इंडिकेशन करता है जिंदगी में व्यक्ति को धन से संबंधित बड़ी समस्याओं का सामना अपने जीवन में करना पड़ेगा। साथ ही साथ 50+ के बाद में बहुत ज़्यादा जटिल रोगों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार एक्सीडेंटल स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। आइए चलते हैं इनकी एक और उंगली की तरफ। इसको बोलते हैं तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली पूरी तरीके से सही तरीके से खड़ी हुई है, हल्का सा झुकाव भी है, व्यक्ति थोड़ी बहुत पूजा पाठ भी कर लेता है, ईश्वर को मानता भर है, लेकिन उसकी पूजा का तरीका दूसरी तरीके का होता है। वो कहता है ईश्वर है, लेकिन इसके सामने घंटों बैठने की जरूरत नहीं है, मैं इतना भरी मानता हूँ। तो यहाँ पे ये इनका इस उंगली ने इस बात को बताया। आइए आपके प्रथम पर्व बुध पर्व पर चलते हैं। ये बुध पर्व और बुध पर्व पर मैंने इनको कई बार कहा कि भाई आप ज़रा थोड़ा सा और इंक लगा के भेजिए, बोले नहीं, यही जो फोटो है मेरी अच्छी है इसमें देखिए। तो मुझे बहुत प्रोजेक्टर पर भी निगाह लगाने के बाद कोई बहुत साफ नज़र रेखाएं नहीं आ रही हैं, फिर भी मैं उनका फलित गुणगान कर रहा हूँ। तो यहाँ बुध पर्व पर पड़ी हुई उंगली मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा ठीक है, मैं मानता हूँ ज्ञान है, लेकिन अपने ज्ञान को सर्वरी सर्वोपरि मान करके आप जीवन में नुकसान उठा जाएंगे। जहाँ तक पर्व देखने में लगता है तो वो समान पर्व है, धन के आगमन तो आते जाते रहेंगे, यानी कि धन स्थिर रूप से यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। आइए अगली पर्व की तरफ चलते हैं। ये पर्व सूर्य पर्व आपका दबा हुआ है, और इस पर ये खड़ी हुई बहुत हल्की हल्की रेखाएं जो मुझे यहाँ पर दर्शित हो रही हैं, इनसे मैं कहीं ऐसा भी नहीं बता सकता कि बहुत कहीं भी मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा, जो रेखाएं मुझे नज़र आ रही हैं कि ऐसा व्यक्ति सरकारी उपकरों से जुड़ा हुआ होगा। बिल्कुल सरकारी उपकरों से नहीं जुड़ा होगा, और राज्य सरकार से सहयोग भी ऐसे व्यक्तियों को कम मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं इनके तीसरे पर्व। इस पर्व को बोलते हैं यहाँ पर
शनि पर, शनि पर्व पर ये रेखाएं खड़ी हुई और साथ ही साथ शनि पर्व बिल्कुल समतल रूप से है। शनि पर्व इस पर कोई बेहतरीन रेखा नहीं खड़ी हुई है। मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि 55 वर्ष के बाद में इनको जीवन में अपनी धन की समस्याओं से बहुत ज़्यादा दो चार होना पड़ेगा। इसलिए यदि इनके पास धन है तो अपने धन को सुरक्षित करके रखिए, क्योंकि आने वाला जीवन आपके जीवन में बहुत जटिल समय आने वाला है जो आपको बहुत धन के आगमन नहीं देगा। आइए बृहस्पति पर्व पर चलते हैं। बृहस्पति पर्व पर एक हल्की हल्की सी रेखा इस तरीके की नज़र आ रही है। कोई देखने में कभी ऐसा भी लगता है जैसे कोई मछली सी चल के तैरती हुई जा रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा ज़्यादा रेखाओं में, लेकिन पर्व अनुकूल है तो इतना भर जरूर कर देगा कि इनको सिर ढकने का जुगाड़ दे देगा, यानी ये अपने मकान में सिर ढक करके रह सकते हैं ये, और साथ ही साथ जो आज के ज़माने के सुख साधन होते हैं वो भी इनके पास रहेंगे, जैसे कोई गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल वाहन इस तरह के। चलिए बात कर लेते हैं आपके एक और पद की। इनके किसी हाथ में मुझे विवाह रेखा दिखलाई नहीं दी साफ सारे हाथों में, लेकिन चलिए मुझको एक पर्व दिखाई दिया थोड़ा सा जैसा भी दिखलाई दिया। इसके बाद मैं इनकी हृदय रेखा को पढ़ता हूँ। हृदय रेखा पर इतना ज़्यादा बल होना और इतनी ज़्यादा स्क्रेजिज होना व्यक्ति के अंदर इस बात का समझ जाना कि व्यक्ति किसी का अपना है किसी का अपना नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हृदय को समझना बहुत जटिल काम है। तो यहाँ इनके मन को समझना बहुत जटिल काम, साथ ही साथ पूरे जीवन पत्नी पत्नी के साथ में इनका व्यवहारिक तालमेल अच्छे प्रकार का नहीं रहने वाला है, यहाँ इस रेखा ने भी बताया है। आइए बात कर लेते हैं इनकी दूसरी एक और पर्वत की, इसको बोलते हैं मंगल पर्वत। मंगल पर्वत और मंगल पर्वत से आती हुई रेखाएं जा करके लगातार, अगर मैं आगे भी देखूं तो आयु रेखा से भी यहां मस्त आपकी लगातार ये रेखाएं जा रही हैं, और इसके साथ मैं पढ़ रहा हूं आपकी मस्तिष्क रेखा को। तो मस्तिष्क रेखा को इतनी सारी रेखाओं ने जाकर मंगल पर्वत से काटा है, ऊपर से मस्तिष्क रेखा दिखलाई है इनकी, ये मस्तिष्क रेखा, और इतनी ज़्यादा प्रभावित होकर के रेखाओं से जा रही है। जीवन के कौन से काम को आप सही रूप से कर पाए हों बहुत असंभव है। इतना दिमाग व्यथित रहता है कि आपको पता ही नहीं कि मुझको सही निर्णय कौन सा लूं और किसके द्वारा मैं प्रगति पथ पर जाऊं। तो ये सबसे बड़ी समस्या आपके हाथ के अंदर खड़ी हुई इन रेखाओं ने भी बताया है। तो डिसीजन सही ना लेने के कारण जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल आपके पास में रहा है, और ख़ास तौर से यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये जीवन के 50 वर्ष तक तो यही नज़र आता है। चलिए आपकी ये वाली बात भी हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके आपके जो है यहाँ सीधा सीधा आपके चलता हूँ पहले चंद्र पर्वत पर। ये चंद्र पर्वत यहाँ से चंद्र पर्वत से कुछ लगता है थोड़ा सा यहाँ से ये इस तरह की यहाँ ये स्क्रैचेस नज़र आ रही हैं। ये व्यक्ति को दौड़ भाग की ही समझ लीजिए, जो व्यक्ति को दौड़ भाग कराती हैं, तो ये इस तरह की स्क्रैचेस हैं चंद्र पर्वत पर। तो ये भाग दौड़ ज़्यादा कराएं और दिमाग ऊपर टेंशन वाले पर यहाँ पर आकर मस्तिष्क रेखा पर एक त्रिकोण बन गया, तो ये मस्तिष्क रेखा पर जाकर के टेंशन देने वाली रेखा है यहाँ पर जा रही है। तो चंद्र पर्वत आपका यहाँ पर देखें कोई दूर से जुड़ने का योग या कोई मुझे विदेश से जुड़ने वाला योग यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो चंद्र पर्वत का आपका ये वाला पता। आइए सबसे महत्वपूर्ण रेखा पढ़ते हैं भाग्य रेखा। अगर हाथ में भाग्य रेखा नहीं तो व्यक्ति का भाग्य क्या होगा, उससे पहले मैं पढ़ लेता हूँ आपकी ये यात्राएं रेखा है। पर्वत मैंने आपका पढ़ा बुध पर्वत, वो बता रहा था कि ऐसा व्यक्ति व्यापार करे तो अच्छा, तो यहाँ ये रेखाएं भी बनी हुई हैं, लेकिन कोई सफलतम व्यापार रेखा हाथ के अंदर नहीं। तो व्यापार भी आसान नहीं है इनके लिए, बहुत व्यापार में इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, ये भी साफ नजर आ रहा है। आइए बात कर लेते हैं जीवन में भाग्य रेखा की। आप यहाँ देखिए ये थोड़ी सी भाग्य रेखा, और इसको कोई ज़्यादा मैं बल वाली भाग्य रेखा नहीं कहता हूँ। जब जब इस तरह की भाग्य रेखाएं हाथ के अंदर बिल्कुल मैदान साफ है, पर्व थोड़ा सा अनुकूल लगता है, तो अगर मैं कहूँ तो थोड़ा बहुत आपके जीवन का अगर बेहतरीन समय गया होगा तो ये समझ लीजिए कि बस 37 से लेकर के और अभी आप 50 वर्ष में, थोड़ा बहुत, ये भी कोई इतना बढ़िया नहीं जिससे मैं आपका कोई लग्जूरियस जीवन आपको बता सकूँ। तो यहाँ बहुत गंदी ही भाग्य रेखा आप लेकर के पैदा हुए, ईश्वर आपकी रक्षा करे यही मैं चाहता हूँ। तो यहाँ भाग्य रेखा नाम मात्र की, पर्वत की वजह से आदमी रोटी खाता रहे ये बड़ी बात है।
तो यहाँ इसके बाद तो दिखाई भी नहीं पड़ रही है, तो और मैंने बता ही दिया था कि बचपन के बाद तो और ज़्यादा जटिल आपका जीवन हो जाएगा, अभी भी आपका जीवन जटिल ही है। चलिए बात हो गई आपकी इन रेखाओं की, अब बात कर लेते हैं आपकी आयु रेखा की। ये आपकी आयु रेखा यहाँ से चलती हुई लगातार विवादित स्क्रैचिज रेखाओं ने काटा, या कह दीजिए संकीर्ण रेखाओं ने काटा, या कह दीजिए कंटक रेखाओं ने काटा है, कोई डराने के लिए कह सकता राहु रेखाओं ने काटा। तो यहाँ इन इतनी सारी रेखाएं आज तक के जीवन में, अभी तक 50 तक के जीवन में आपके साथ में काटती रही हैं। तो ये रेखाएं आयु रेखाओं में बता रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद अपने जीवन में करना पड़ा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराश भी अपने जीवन में हो जाता है। यहाँ वर्तमान में यदि मैं आपकी आयु देख रहा हूँ तो अभी मुझे 65 तक दिखलाई दे रही है, तो मैं इसके लिए कोई ज़्यादा ये नहीं कहना चाहता कि 65 ही आपकी आयु है। आयु रेखाएँ आगे बढ़ती भी रहती हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई विचलित होने की ज़रूरत भी नहीं है। नीचे कुछ मुझे विशेष कोई रेखा नज़र नहीं आई आपके कई हाथों में, तो इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में बोल भी नहीं सकता। चलिए दूसरे हाथों में भी देखने के बाद भी मुझे यहाँ पे कोई विशेष रेखाएं नज़र नहीं आ रही। आइए मैं संतान रेखा पर चलता हूँ। संतान रेखा आपके हाथ से देखने में दो संतान रेखाएं दर्शित होती हैं, यानी बालक की ये पत्नी के हाथ से देखा जाता है, लेकिन जब जब ये रेखाएं इस तरीके से यहाँ पर मिलती हैं तो दो संतान रेखा, लेकिन यहाँ पर लगता है कि संतान का सहयोग आपको मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा कि बस समझ लीजिए कि सामान्य रूप से। तो ये भी अपने आप में दर्शाती है आपकी ये रेखा है। तो यहाँ शुक्र पर्वत का प्रथम प्रथम पर्व देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं पूरी नहीं होंगी जीवन के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर ये अपने आप में काटती हुई रेखाएं भी हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो ये दूसरा पर्व भी मैंने आपको कहा वाणी पर नियंत्रण रख करके सही निर्णय लेने के लिए आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। चलिए अब आपकी बात हो गई, ये सब कुछ मैंने तो लगभग लगभग आपके हाथ के बारे में बता ही दिया सब कुछ। तो बहुत जीवन में संघर्ष वाला ये हाथ मेरे सामने है, तो मैं आपके सब सवालों को को मेरे ख्याल से शायद दे दिया होगा। आशा करता हूँ आपको संतुष्टि मिल गई होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं जीवन में धन, और यदि आप चाहते हैं जीवन में चिंताओं से मुक्त होना, और यदि आप चाहते हैं अपना उर्जित जीवन, तो मैं आपको बता देता हूँ आपके इसको दो जरूर काम करने पड़ेंगे। नंबर एक, आपको खाटू श्याम जी जाना पड़ेगा। खाटू श्याम जी में जा करके आपको अपनी जो भी अरदास लगानी है, जो भी चीज़ लगानी है, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने तो हारे का सहारा ही हाथ है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा खाटू श्याम जी। अगर आप निरंतर साल दर साल जा सकते हैं तो वहाँ कुछ भी मांग लीजिए वो पूरा होगा। साथ ही साथ आपको इन सब चीज़ों से उभरने के लिए आप वृंदावन भी एक बार महीने में परिक्रमा जरूर गोवर्धन महाराज की लगाएं, और इसी के साथ एक बहुत ज़्यादा चीज़ आपको जरूर करनी पड़ेगी, और उसका नाम है हनुमान अष्टक। हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम, हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम अपनी पूजा नित्य पूजा में सुबह की में जोड़ लीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में कष्टों से बचे रहें, बाधाओं से बचे रहें, तो आपको ये चार उपाय मैंने बताए हैं। इन चारों उपायों को जितनी श्रद्धा अनुसार आप कर सकते हैं कर लीजिए। आपका जीवन सुखमय हो, समृद्ध हो, आप निरोगी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।